सारे मेरे मौजूदीन रमेश काशिफ शाह साहब, डॉक्टर अरशद मुगल कह रहे मेरा नाम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस भरपूर तादाद में जलसे में शरीक होकर साबित किया कि पाकिस्तान सखर सिटी की आवाम और सखर डिस्ट्रिक्ट की आवाम सिर्फ पीपल्स पार्टी की आवाम है और जीए भुट्टो के कहने वाले। आज इस पार्टी को 50 साल पूरे हो गए, पूरे 50 साल हो गए हैं। इस 50 साल की मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं, लेकिन साथ के साथ दुख भी होता है। इस 50 साल तारीख को अगर देखा जाए, आपके सामने तस्वीरें हैं, इस स्टेज पे तस्वीर लगी हुई है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की दास्तान आपके सामने है। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये पार्टी इससे बनाई थी कि उसको फांसी में चढ़ना पड़ जाए? उसको मांगा था, उसको कहा गया कि लिख के दो मुझे कि फिर एक चीज लिख दो, माफी नामा लिख दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं इस अफवाह में जिंदा रहना चाहता हूं, आज के लिए जिंदा रहना चाहता हूं, तारीख का जिंदा रहना चाहता हूं। वो आपके लिए शहीद हो गया, उसने आपके लिए कुर्बानी दी, उसे अपने लिए नहीं बख्शा। अगर उसे बख्शना होता अपने आप को तो बाहर चला जाता, बाहर मुल्क में जाके आराम से रहता। उसने कहा मैं इस आवाम की वजह से मैंने ये पार्टी बनाई है, इस गरीब आवाम के लिए बनाई है, इसके लिए ही मरूंगा, इसके लिए ही जीऊंगा। उसने कहा मेरा नजरिया है और नजरिया तक तो हमारी पार्टी का। आज भुट्टो साहब को हमने बहुतों ने देखा होगा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मैं अपने आप से पूछता हूँ, मैं सबसे पूछता हूँ, अगर आपके सामने मौत खड़ी हो और आपको पता हो कि आपको उस पर फांसी पे चढ़ने जाना है, कौन जाएगा? उसी वक्त ही माफीनामा लिख देंगे, मैं भी लिख दूंगा, आप भी लिख दोगे, जितने लोग बैठे लिख देंगे। ऐसे दलेर आदमी कोई नहीं होता, वो इस बुल की सोच रखता था, उसने इस पाकिस्तान के लिए क्या क्या नहीं किया। अरे वो तो छोड़ो, उसके बाद क्या हुआ, उसका पूरा खानदान खत्म हो गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सबने मना किया कि इस पाकिस्तान में ना आना, हम सबने मना किया, सीधी सीधे मना किया, लेकिन उसने कहा मैंने जीना है तो इस आवाम के लिए जीना है, और अगर वो इस आवाम से दूर नहीं रह सकती, और आके वो आपके सामने उसको शहीद कर दिया गया। आज उसका बेटा बेनजीर शहीद का बेटा बिलावल साहब मैदान में, बिलावल साहब भी आवाम के अंदर बीच में इसी तरह से है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, हाथ उठा के जो बताओ कि बिलावल साहब का साथ दोगे? बिलावल साहब का साथ दोगे? ये सक्कर किसका? ये सक्कर किसका? ये सक्कर किसका? ये आवाज किसकी? बहुत बहुत शुक्रिया, जीए।